Good evening, student. Myself Bhavna from Happy Cambridge School. So today we will make a mini file folder. एक छोटा सा file folder बनाएंगे जिसमें आपको जो school में test वगैरह मिलते हैं आप उसको easily इसमें store करके रख सकते हो. ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक sheet लेनी है. अब sheet कौन सी, देखो इस तरीके से आपको एक sheet लेनी है. ये आपने sheet ली. इस sheet को आपको क्या करना है, नीचे से ऊपर की तरफ, यानी दोनों ही साइड इसकी equally होनी चाहिए. ये देखो दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए और ऊपर इतना जो पार्ट है वो बचना चाहिए. इस तरीके से फोल्ड करना है. आई रिपीट, शीट को आपने ऊपर की तरफ फोल्ड किया इस तरीके से, दोनों ही पार्ट इक्वल होंगे, ऊपर का इतना पार्ट बचेगा. अब क्या करना है, जो ये साइड है ना इसकी, ये जो ब्रेथ वाली साइड है, दोनों ही साइड पे फेविकॉल लगानी है. कैसे लगानी है वो मैं दिखाती हूँ. देखो इस तरीके से मैंने फेविकॉल लगाई. ठीक है, आपको इस साइड नहीं लगानी, इस साइड मत लगाना वरना ये पूरा बंद हो जाएगा. इस साइड फेविकॉल लगाने के बाद ये जो शीट थी ना हमने फोल्ड की थी, उसे हम पेस्ट कर देंगे. ठीक है, इस तरीके से पेस्ट किया ये हमने. पेस्ट करने के बाद क्या करना है, अभी हमारा पेस्ट हो गया अच्छे से. अब ये जो ऊपर का पार्ट है ना, ऊपर के पार्ट में आपको इस तरीके से एक शेप बनानी है. पहले लाइन ड्रॉ करना और इस तरीके की शेप देना. फिर क्या होगा कि उसी जगह पर नहीं बना रहे, उससे थोड़ा ऊपर बनाना ही मैंने कटिंग कर रखी थी. आपको इतने पार्ट को फिर कट कर देना है. ये तो देखकर ही पता चल जाएगा. आप अपने पेरेंट्स की, एल्डर ब्रदर सिस्टर की हेल्प ले सकते हो, वो समझ जाएंगे. ठीक है, इतना कट करने के बाद यहाँ पर मैंने एक पतली सी स्ट्रिप ली थी, उसे कट करी और इस तरीके से वो पेस्ट कर दी. अब क्या होगा कि ये जो पार्ट है ना, ये इजीली अंदर चला जाएगा, इससे ये पूरी तरीके से बंद हो जाएगा. यानी आपको किसी थ्रेड या किसी चीज का यूज नहीं करना पड़ेगा इसे बंद करने के लिए. इजीली बंद हो जाएगा और ओपन करोगे तो इजीली ओपन हो जाएगा. ठीक है, इस तरीके से करने के बाद अब हम इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे. डेकोरेट कैसे करना है, आप स्टिकर्स लगा सकते हो. ठीक है, आप बटरफ्लाई बना सकते हो, फ्लावर्स बना सकते हो, लीफ बना सकते हो. अगर स्टिकर्स वगैरह नहीं है तो खरीदने जाने की जरूरत नहीं है, आप और भी बहुत सारी चीजों का यूज करके बना सकते हो. अब देखो मैं कैसे बनाती हूँ. देखो फिर मैंने इस तरीके से इस पे ये स्केच कर दिया. आप कुछ भी बना सकते हो. ठीक है, जरूरी नहीं कि मैंने बनाया वैसा ही करना है. आप इससे और ज्यादा क्रिएटिव, जैसे आपने वेलकम लिख दिया, आप इस तरीके से और भी इसे ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो. ठीक है, एट लास्ट मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जिन स्टूडेंट्स ने लाइव क्लास अटेंड नहीं करी थी, प्लीज नेक्स्ट टाइम लाइव क्लास अटेंड करना. कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सोचते हैं कि हम वीडियो में से देखकर बनाकर दे देंगे मैम को तो मार्क्स लगा देंगे. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं नहीं लगाऊंगी. अगर आप लाइव क्लास में आओगे, लाइव क्लास को अटेंड करोगे, मैं तभी 20 में से मार्क्स दूंगी, अदरवाइज मैं मार्क्स नहीं दूंगी आपको. इसलिए लाइव क्लास में टाइम से प्रेजेंट रहना. ओके, थैंक यू.